HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले ही नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खासा खोटी गेस्ट हाउस में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णापुरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बैतूल लोकसभा के खालवा में चुनावी सभा को किया संबोधित। दतिया पंडोखर में पदस्थ जेई मंसूर खान द्वारा किसानों से की जा रही अवैध वसूली। आजम खान के खाकी अंडरवियर वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तीखी प्रतिक्रिया। और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से 7 दिन में मांगा जवाब। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कोर्ट ने माना कि राफेल डील में हुआ भ्रष्टाचार। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। खाशाखोटी गेस्ट हाउस में जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णापुनिया ने प्रेस वार्ता आयोजित की। कृष्णापुनिया अपना नामांकन के बाद सीकर रोड पर होटल आपनो राजस्थान में नामांकन सभा करेंगी। आज जयपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष और मोटर गैराज मंत्री राजेश यादव, पूर्व मंत्री ब्रज किशोर शर्मा, वानसुर विधायक शकुंतला रावत, जमा रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा, विराट नगर विधायक इंद्रजीत गुर्जर, शाहपुरा विधायक बेनीवाल मौजूद रहेंगे। संवाददाता रामकरण जाखड़ की रिपोर्ट, HBN न्यूज। की खालवा तहसील और बैतूल लोकसभा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम के साथ सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि रामू टेकाम के पीछे मैं खड़ा हूं। और उधर कमलनाथ ने नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने जब से पैजामा पहनना शुरू किया है उसके पहले से ही नेहरू जी ने भारतीय सेना एयरफोर्स का गठन कर दिया था। खंडवा जिले की खालवा तहसील और बैतूल लोकसभा से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामू टेकाम के साथ सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि रामू टेकाम के पीछे मैं खड़ा हूं। रामू से सेवा करवाइएगा, अगर काम नहीं करे तो इसके कपड़े भी फाड़िएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने जब से पैजामा पहनना शुरू किया है उसके पहले ही नेहरू जी ने भारतीय सेना एयरफोर्स का गठन कर दिया था। उन्होंने कहा अच्छे दिन तो नहीं लेकिन अब बीजेपी के आखिरी दिन जरूर आने वाले हैं। कमलनाथ ने हरसूद विधानसभा क्षेत्र को गोद लेने की घोषणा की और कहा कि हरसूद के कलंक को मिटाना है। सभा को खंडवा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट और कृषि मंत्री सचिन यादव ने भी संबोधित किया। सुरक्षित था मोदी जी, जब आपने पजामा और पेंट पहनना सीखा नहीं था तब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने इस देश की फौज बनाई थी, एयरफोर्स बनाई थी, नेवी बनाई थी। और आप कहते देश सुरक्षित है, आपके नीचे सबसे ज्यादा आतंकी हमले, सबसे ज्यादा आतंकी हमले किसके कार्यकाल में हुए, किसकी सरकार थी दिल्ली में? मैं संसद पर आतंकी हमला हुआ, किसकी सरकार थी दिल्ली में? किसकी सरकार थी? भाजपा की सरकार थी। और आंकड़े बताते हैं सबसे ज्यादा आतंकी हमले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है तब होते हैं। इस दौरान सभा स्थल पर हलसूद के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय शाह भी अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। विजय शाह ने मीडिया को बताया कि खालबा में आज आकर मुख्यमंत्री कमलनाथ झूठ बोल रहे हैं। हमने 22 लाख किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ किया। यहाँ जितने लोग और किसान आए हैं उसमें से 10 लोग भी बता दें कि किसानों का कर्जा बैंकों से माफ हुआ है, उनका झूठ का बदला यहाँ की जनता 6 तारीख को वोट देकर कमल के फूल के बटन दबाएंगी। वहां उनके समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रक्रिया देते हुए इशारों ही इशारों में कहा कि अब यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी जो 29 साल से चली आ रही है, और लोकसभा चुनाव के बाद इनका भी इलाज किया जाएगा और यहाँ से गुंडागर्दी खत्म की जाएगी। खंडवा से कैमरामैन फरीद मंसूरी के साथ जिला ब्यूरो राजेश राठौर की रिपोर्ट, HBN न्यूज। दतिया पंडोखर विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थ जूनियर इंजीनियर मंसूर खान और उनके सहायक यासीन खान के द्वारा लगातार 3 सालों से कई डिफॉल्टर ग्रामों की बिजली रुपए लेकर चलवाई जा रही है। पंडोखर विद्युत वितरण केंद्र में पदस्थ जूनियर इंजीनियर मंसूर खान
और उनके सहायक यासीन खान के द्वारा लगातार 3 सालों से कई डिफॉल्टर ग्रामों की विद्युत रुपए लेकर चलवाई जा रही है। इसके अलावा जहां 25 की डीपी स्वीकृत है वहां पर रुपए लेकर 63 की और जहां पर 63 की डीपी स्वीकृत है वहां रुपए लेकर 100 की डीपी लगाई जा रही है। फॉल्स बिलिंग में लाखों रुपए का हेर फेर इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। कृषि के सीजन में तमाम किसानों से रसीद के नाम पर मोटर चलाने की एवज में लाखों रुपए लिए गए, लेकिन किसी एक किसान की कोई रसीद नहीं काटी गई। मंजूर खान को पंडोखर विद्युत वितरण केंद्र पर 5 साल के लगभग होने को आ गए। भ्रष्टाचार के चलते ग्रामीण जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस संबंध में कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायत क्षेत्र के किसानों द्वारा की गई, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी भारी लेन देन करके उनके सारे काले कारनामे छुपा दिए गए। क्षेत्रीय जनता ने स्थानीय विधायक डॉक्टर रक्षा संतराम सरौनिया से भी इनकी शिकायत की। इनके द्वारा माल्च वसूली के दौरान कई चक्की उपभोक्ताओं से काफी बड़ी मात्रा में रकम लेकर उनके बिल को कम किया गया। कई घरेलू कनेक्शन धारियों से ग्रामीण क्षेत्र से पैसा लेकर उनको भुगतान मार्च क्लोजिंग में नहीं करने के निर्देश दिए गए। मंजूर खान और उनके सहयोगी यासीन खान दोनों ने मिलकर विभाग को हर महीने में लाखों रुपए की चपत लगाई, शासन को राजस्व की हानि पहुंचा रहे हैं। क्षेत्रीय जनता ने इन दोनों के विरोध में जल्द कार्रवाई करने की मांग की और इन लोगों को यहां से हटाकर उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की। दतिया जिला ब्यूरो जितेंद्र सिंह गौरव की रिपोर्ट, HBN न्यूज। प्रदेश के रामपुर से सपा उम्मीदवार आजम खान के खाकी अंडरवियर बयान पर सियासत तेज है। रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले आजम खान पर सुषमा स्वराज के बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा उम्मीदवार आजम खान के खाकी अंडरवियर बयान पर सियासत तेज है। रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले आजम खान पर सुषमा स्वराज के बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी हमला बोला है। आजम खान के बयान पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि एक महिला पर अपमानजनक टिप्पणी की गई और समाजवादी पार्टी के नेता चुपचाप बैठे रहे। मैं अनुरोध करती हूँ कि राजनीति की अपनी जगह है और भारत में महिलाओं की अपनी अलग जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना के मामले में नोटिस जारी करके 22 अप्रैल तक का जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अवमानना के मामले में नोटिस जारी करके 22 अप्रैल तक का जवाब मांगा है। दरअसल हाल ही में राफेल मामले में हो रही सुनवाई पर कोर्ट ने केंद्र की दलील खारिज करते हुए कहा था कि गोपनीय दस्तावेजों को सबूत माना जा सकता है। इस पर राहुल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मान लिया कि राफेल मामले में भ्रष्टाचार हुआ। उनके इस बयान के खिलाफ भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसके फैसले में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई थी, फैसला कानूनी सवाल पर आधारित था। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।